अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो काफ़ी सारे सैमसंग की डिवाइसेस को ऑलरेडी मिल चुका है। अब बारी आ चुकी है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और S20 FE 5G के लिए। इन दोनों ही डिवाइस को लिए भी अब सैमसंग की तरफ से रिलीज कर दिया गया है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, और ये इस साल का लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो दोनों ही डिवाइस को मिल चुका है। बात करेंगे इस सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या चेंज लोग देखने को मिलेगा, अपडेट साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है और किस वर्जन के बेस के ऊपर ये हमें अपडेट जो है वो मिल रहा है, और इसका सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है, किस कंट्री में दिया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और S20 FE 5G की डिवाइस मौजूद है तो वीडियो ये आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी सैमसंग मोबाइल से सॉफ्टवेयर अपडेट्स के वाले से तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा हमने बताया कि आज सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और S20 FE 5G के लिए भी फाइनली इस ईयर का यानी 2023 का लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। उसका अपडेट इमेज आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S20 और S20 FE 5G के लिए। ये जो इमेज आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज आप लोग जो अपडेट मिला है ये जर्मनी के अंदर मिला है, और ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट जो है आप लोगों को इमेज शो हो रहा है। मगर यहाँ पर आप लोगों के साथ में जर्मनी का नहीं, यहाँ पर ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर ये बताता चलूँ कि ये अपडेट जो है फिलहाल जर्मनी के अंदर रोल आउट हुआ और ग्रेजुअली तमाम रीजन्स के अंदर ये बैच वाइज अपडेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। विद इन 2 to 3 वीक्स तमाम रीजन के अंदर ये अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो पेशेंस रखिएगा, अगर आप लोगों को अपडेट मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को भी ये अपडेट जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर ट्रांसलेटेड इमेज जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G की डिवाइस के लिए। 5G की डिवाइस के लिए ये अपडेट इमेज जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उसका अपडेट साइज़ और इसका बिल्ड नंबर। ये 4G का अपडेट इमेज है तो यहाँ पर आप लोग वो सबसे पहले हम बॉटम पर ले जाएंगे और देखेंगे कि इस अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UI वर्जन 5.1 जो है हमें अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G के लिए, और इसके साथ में आप लोग पता चलूँ कि यहाँ पर UI 6 Android 14 का सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, मगर सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। S20 सीरीज़ की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको UI 6 का अपडेट नहीं मिला। इसी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ जो है वो स्टॉप हो चुकी है 5.1 UI वर्जन के ऊपर। तो यहाँ पर Android 13 का लास्ट अपडेट जो था वो मिला था S20 सीरीज़ के लिए, मगर यहाँ पर S20 सीरीज़ को UI 6 Android 14 के प्ले लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UI वर्जन जो है 5.1 जो है हमें इंस्टॉल्ड है हमारी डिवाइस के ऊपर, और यहाँ पर जो फर्स्ट बिल्ड नंबर है वो G780FXSEFWK8। इसके बाद सेकंड बिल्ड नंबर है G780FOXMEFWK8, और जो लास्ट बिल्ड नंबर है G780FXXSEFWK8। तो यहाँ पर जो है WK8 ये आप लोगों को बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा आप लोगों की डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G के अंदर। अभी हम जो अपडेट साइज़ है वो 210.41 MB का, जी हमारा 210 MB का अपडेट साइज़ है, नॉर्मल सा अपडेट साइज़ है, ज़्यादा बड़ा अपडेट साइज नहीं है। और कोशिश कीजिएगा वो अपनी डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अगर वाईफाई ना अवेलेबल हो तो आप सिम के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, मगर इसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पे करने पड़ सकते हैं आपकी डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर 210 MB का अपडेट साइज़ आप लोगों को मिल रहा है UI 5.1 के साथ, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो December 1, 2023 का, जी हम दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट दिसंबर के लास्ट के अंदर आप लोगों को मिल चुका सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G और 4G के लिए। तो यहाँ पर 210 MB का अपडेट साइज मिला है जर्मनी के अंदर, हो सकता है अदर रीजन के अंदर ये अपडेट साइज डिफर करे और बिल्ड नंबर भी डिफर करे। तो ये कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर की सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G की। यहाँ पर टॉप पर चले जाएंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चेंज लॉक क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सिक्योरिटी पैच अपडेट है, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी होगी तो डिवाइस की सिक्योरिटी ही है। फाइनली जो है डिवाइस की सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया है सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर।
इसके बाद जो है कुछ स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं और कुछ नए और इनहांस फीचर वो भी ऐड किए गए हैं, और फाइनली डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ जो डिवाइस की सिक्योरिटी उसको इम्प्रूव किया गया है, साथ ही साथ डिवाइस की स्टेबिलिटी और इसके बाद परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है इस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर ये चेंज लॉग अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G के लिए, और यहाँ पर जो S20 FE 5G के लिए चेंज लॉग हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करें, मगर उसके लिए भी सिक्योरिटी पैच अपडेट ही रिलीज किया गया है। मगर यहाँ पर बिल्ड नंबर जो है 210 MB का है, और S20 FE 5G के लिए बिल्ड नंबर जो है वो डिफर हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन थी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G और S20 FE 5G के डिवाइसेस के लिए। आप लोगों के कंट्री के अंदर आप लोगों को ये अपडेट मिला है या नहीं मिला, किस डिवाइस के अंदर अपडेट मिला है और कौन सा अपडेट साइज़ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना के बहुत सारा ख्याल, मुझे रख दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।